वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दाओ में आप देखें कि अलमास बेगम ने जो लोगों के साथ किया वो ये भूल गई थी कि इस दुनिया में जो इंसान बोता है उसे काटना भी पड़ता है। उन्होंने हमेशा लोगों को बर्बाद करके खुद को खुशहाल रखने की कोशिश की, लोगों को अजियत पहुँचाकर खुद के लिए आसानी पैदा की। आज अलमास बेगम की इन हरकतों की वजह से उनकी बेटी सुंबुल मुश्किल में है। आलियान उसे टॉर्चर करता है। जब आलियान को उसकी वालदा ने समझाने की कोशिश की तो उसने सुंबुल की अच्छी बली क्लास ली। हमारे दरमियान जो भी है, अगर मेरी माँ को पता चला तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। अब सुंबुल पछता रही है कि मैंने अपनी वालदा की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी माँ आलियान के बारे में जो कुछ भी कह रही थी वो शायद ठीक ही था, लिहाजा मुझे अपनी वालदा की बात मान लेनी चाहिए थी। अब वो ये पता लगवाने की कोशिश कर रही हैं कि जो आलियान कर रहा है ज़रूर इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ही होगी। आगे चलकर आप ये भी देखेंगे कि आलियान उसे ये वजह भी बता देगा, कि वो ये बता देगा कि असल में अलमास बेगम किस तरह की औरत है। जब आसिम अब भी अपनी माँ के बारे में जान लेगा तो वो भी अपनी वालदा से नाराज़गी ज़ाहिर करेगा। सुंबुल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी माँ के गुनाहों का नतीजा है। उधर आलियान को ये भी पता चल चुका है कि आबदा बेगम वापस आ चुकी हैं। वह ज़बरदस्ती उनके घर में घुस जाता है और आबदा बेगम को गन से डराकर असलियत मालूम करवा ही लेता है। अरमास बेगम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अब जो वो उसे पता चल चुका है वो बहुत गु़स्सा होता है। वो सुंबुल को फिर से तंग करेगा और आखिरकार वो सुंबुल को सच बात बता ही देगा। अलमास बेगम को पता चलेगा कि आबदा वापस आ चुकी हैं तो वो उसके पास जाकर काफ़ी बातें सुनाती हैं कि तुम्हारे किए की सज़ा मेरी बेटी भुगत रही है। जब तुम आलियान को ना तुम लोग नहीं मिले तो उसने सुंबुल को बातों में फंसा कर शादी कर ली। अब मैं तुम्हें कभी भी मुआफ़ नहीं करूंगी। अब आलियान अलमास बेगम के मैरिज ब्यूरो अपने दोस्त को लेकर पहुंच जाता है और उसकी अच्छाइयां बयान करता है। अलमास बेगम से कहते हैं कि आप इसका भी रिश्ता करवा दें। अलमास बेगम फीकी मुस्कराहट के साथ उन्हें वापस भेज देती हैं और बाद में काफ़ी परेशान हैं। उन्हें पता है कि यकीनन इसमें भी आलियान की कोई ना कोई चाल ही होगी। उधर अंबर हसन से शादी करना चाहती है, वो ये नहीं जानती कि हसन उसे धोखा दे रहा है। आगे चलकर आप ये भी देखें कि अंबर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई